हाय फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल के दिन है वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी स्पेशली हम निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस एक स्टॉक देखेंगे एंड जीरो टू हीरो क्या होगा उसके रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आपने थंबनेल में देखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं मार्केट क्या हुआ। आज के दिन लाइव में भी हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, तो आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रायंगल में मूव कर रहा है। तो कल के दिन ये ट्रायंगल ब्रेक करता है तो 19,850 के ऊपर कल के दिन मार्केट चला जाता, तो आप लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। 900 आपका फर्स्ट टारगेट है, 950 सेकंड टारगेट है अकॉर्डिंग ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि 900 एंड 950 के पास ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सेकंड, वहां पे मार्केट लाइक यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी रिजेक्ट होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करके आराम से आपके पास 800 का पहला टारगेट है और 19,750 का आप सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं। उससे भी नीचे चला जाता है तो 700 तक आप पोजिशन ले सकते हैं। ये कुछ निफ्टी के लेवल्स हैं। तो अभी ओपन इंटरेस्ट, अभी कल के दिन जीरो टू हीरो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैं तो लाइव में डिस्कस करूंगी, यूट्यूब लाइव होता है हमारा, 10:30 to 11 o'clock के बीच में स्टार्ट होता है जीरो टू हीरो स्पेशली। तो यहाँ पे लाइक मार्केट कल के दिन ओपन होता है गैप या इस एरिया में 50 to 60 point गैप ओपन होता है, तो आपको OTM वर्क करने का 50% चांस है। मार्केट इस एरिया में ओपन होता है तो OTM वाला कॉल वर्क करेगा, तो हम लाइव में तो देखेंगे। डिपेंड करता है, 10 बजे से पहले वर्क करता है तो आप उस अकॉर्डिंग जा सकते हैं, बट प्रीमियम याद रखे 20 के अंदर का ही प्रीमियम होना चाहिए। उससे बड़ा प्रीमियम होगा तो वर्क नहीं होगा जीरो टू हीरो के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कुछ जीरो टू हीरो मिलता है क्या। बैंक निफ्टी में भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, आप देख सकते हैं। 5 मिनट में देखोगे तो आपको ट्रायंगल बहुत ज्यादा क्लियर देखने के लिए मिलेगा। तो बार बार बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, स्पेशली 45,700 के पास बार बार रिजेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कल का भी एरिया एंड आज का भी एरिया रिजेक्ट हुआ है, तो आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है तो कब जाओगे आप, 45,700 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। फिर 850 तक आपके पास आराम से टारगेट है। ऊपर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देते तो आप लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन है वो भी ब्रेक करता तो फिर आगे ये हमारे पास टारगेट है। दूसरा पार्ट, यहाँ पे कल के दिन ओपनिंग होता है न्यूट्रल, तो आप शॉर्ट करके आराम से इस एरिया का टारगेट प्लान कर सकते हो, जो 500 to 550 का एरिया, उस एरिया में आप टारगेट सेलिंग से प्लान कर सकते हो। तभी भी 100 to 150 point का टारगेट है। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होता है तो आपका OTM का पुट वर्क करेगा जीरो टू हीरो के लिए। एंड इस एरिया में बैंक निफ्टी ओपन होता है, इस एरिया में मतलब इस पॉइंट पे समथिंग कहाँ पे, तो आपका OTM का कॉल वर्क करेगा जीरो टू हीरो के लिए। होप सो आपको मेरा बोलने का मतलब क्लियर हुआ होगा। अगेन, बैंक निफ्टी का प्रीमियम 40 to 60 के रेंज में होगा तो ही वो प्रीमियम जीरो टू हीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उससे ज्यादा है या उससे कम है तो डेफिनेटली जीरो ही होगा। तो नहीं समझ में, वीडियो थोड़ा पीछे जाके देखे, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक देख लेते इंट्राडे के पर्पस से। जितने भी जीरो टू हीरो के वीडियोस है ना मेरे चैनल के ऊपर, शॉर्ट वीडियो हो गए, पूरे बड़े वीडियो, थोड़े से जाके क्रॉस चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा मेरा मतलब क्या है। तो यहाँ पे रिलायंस आप देख सकते हैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इवन हम यूट्यूब लाइव में भी बार बार इसका नाम ले रहे थे कि रिलायंस अच्छा दिख रहा है, रिलायंस सपोर्ट ले रहा है, रिलायंस सपोर्ट ले रहा है, रिलायंस का टारगेट डन, तो होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस ने क्या किया, डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया एंड अप चला गया, इसलिए निफ्टी भी अप चली गई। अभी कल के दिन रिलायंस इस लेवल से ऊपर निकलता तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है। तो नहीं निकलता यहाँ पे रिटेस्ट करता, यहाँ पे सपोर्ट लेता, तभी भी आप बाय करोगे। लाइक इस बॉक्स के नीचे, मतलब जो हमने बॉक्स मार्क किया है ना, तो हमने जो बॉक्स मार्क किया 2840 का जो बॉक्स हमने मार्क किया उसके नीचे क्लोजिंग देता तो हम शॉर्ट करेंगे आराम से। 20 का हमारा सेलिंग साइड 2820 का सेलिंग साइड टारगेट होने वाला एंड 2800 नेक्स्ट सेलिंग साइड टारगेट प्लान करेगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो फिर से यहाँ से अप जा सकता है। ब्रेक करता है तो आराम से फिर 70 तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेवल्स आपके सामने, एज इट इज मार्क कीजिए एंड प्लान कीजिए। तो मिलते कल के लाइव के वीडियो में, स्पेशली जीरो टू हीरो ट्रेड है कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है देखते, जीरो टू हीरो मिलता है या नहीं मिलता है डिपेंड करता है टोटली मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो ही जीरो टू हीरो वर्क करता है। मार्केट टाइम वेस्ट करता, साइडवेज चला जाता तो जीरो टू हीरो डिक्की होते और जीरो ही होते, हीरो नहीं होते। तो होप सो आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।